नदी किनारे ढूंढ रहे हैं घर बार, तभी आज आपको लेकर आए हैं हम हरिद्वार। तो मेरा नाम मनीषा है और हर बार की तरह आप लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हैरी दत्त पर। जिन्होंने भी हमारे चैनल को अभी तक नहीं किया है सब्सक्राइब तो कर लीजिए, ताकि जितनी भी हमारी वीडियोस होंगी उनकी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहेंगी एंड साथ ही साथ में हमारी वीडियोस को आप इंजॉय भी करते रहेंगे एंड काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन भी आपको मिलती रहेगी। तो आज हम आपके लिए गंगा किनारे एक प्रोजेक्ट लेकर आए हैं और बहुत ही प्यारा ये प्रोजेक्ट बन रहा है। अभी इसका कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। पोजेशन की अगर हम बात करें तो 6 से लेकर 1 साल तक का पोजेशन का इसका टाइम है। तो अभी बहुत ही कुछ इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा, वीडियो के एंड तक हमारे साथ बने रहें। तो अब करते हैं बात लोकेशन की। सबसे पहले तो दोस्तों, ये प्रोजेक्ट हरिद्वार टू नजियाबाद हाईवे के करीब है। हर की पौड़ी से भी आपको ये 6-7 किलोमीटर के डिस्टेंस पे मिल जाएगा ये प्रोजेक्ट, जिसका नाम है सिग्नेचर विलास। बहुत ही प्यारा नाम है, बहुत ही कमाल का नाम है, सिग्नेचर विलास। एंड अगर हम बात करें चंडी मंदिर की, चंडी मंदिर से भी इसका डिस्टेंस 3 किलोमीटर का रहेगा। 3 किलोमीटर के डिस्टेंस पे आपको ये सारा प्रोजेक्ट यहाँ पे मिल जाएगा। तो अगर हम बात करें प्रोजेक्ट की, तो ये गेटेड सोसाइटी है, गेटेड रहने वाला सब कुछ। आपको यहाँ पे प्रॉपर 24/7 सिक्योरिटी मिलेगी। सबसे मेन बात होता है, इंडिपेंडेंट विलाज में कभी भी आपको गेटेड कम्युनिटी नहीं मिलती है। गेटेड कम्युनिटी बहुत कम मिलती है, कम देखने को मिलती है यूजली। बट यहाँ पे आपको जो प्रोजेक्ट है इंडिपेंडेंट विलास का, वो आपको गेटेड सोसाइटी में मिल रहा है, जो कि बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट है। अभी इसके बाद हम देखते हैं जो कंस्ट्रक्शन यहाँ पे चल रही है और धीरे धीरे बात करेंगे कि आपको क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं आपके विलास के साथ में। एंड पोजेशन की बात तो हमने ऑलरेडी कर ही ली है, तो बढ़ते हैं सीधा कंस्ट्रक्शन साइट की ओर। चलिए, तो दोस्तों डायरेक्ट मेरे सामने आप देख सकते हैं काम प्रॉपर जोरों शोरों से चल रहा है यहाँ पे। पोजेशन की बात हमने ऑलरेडी कर ली है। पोजेशन का जो टाइम है वो 6 से लेकर 1 साल के बीच तक का टाइम रहेगा, वो ऑलरेडी हम बता चुके हैं। तो इंडिपेंडेंट विलास में आपको जो सिग्नेचर विलास है यहाँ पे हरिद्वार में, तो यहाँ पे आपको क्या क्या चीज़ मिल रही है। हमारे इंडिपेंडेंट विलास जो मैं बता चुकी हूँ ऑलरेडी, 2 BHK एंड 3 BHK के ऑप्शंस यहाँ पे आ रहे हैं। एंड अगर मैं बात करूँ इन विलास की, तो जो कॉन्सेप्ट है लिटरली अगर सुनेंगे ना तो आप भी बोलेंगे बहुत ही अच्छा लग रहा है, सुन के अच्छा लग रहा है, जब ये बन जाएगा तो कितना ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे आपको 2 BHK 3 BHK का ऑप्शन मिल रहा है, जो ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ। तो अगर मैं बात करूँ इंडिपेंडेंट विलास में, आपको अगर मैं ऐसा बोलूँ कि आपको आपका एक पर्सनल, हर एक इंडिपेंडेंट विला के साथ आपको एक पर्सनल स्विमिंग पूल मिल रहा है, तो कैसा लगेगा? जी हाँ, बिल्कुल ये सच है, आपको आपके विला के अंदर एक सेपरेट पर्सनल स्विमिंग पूल मिल रहा है, जो कि बहुत ही नेक्स्ट लेवल कॉन्सेप्ट है, बहुत ही डिफरेंट है। यूजली ऐसा नहीं होता है, बट यहाँ पे आपको हर एक विला के साथ आपका सेपरेट एक जो स्विमिंग पूल है वो मिल रहा है, तो ये काफ़ी ज़्यादा प्लस पॉइंट की बात होने वाली है। तो जैसे कि हम पर्सनल स्विमिंग पूल की बात कर ही रहे हैं, अब एक और पर्सनल चीज़ की बात करते हैं, जो कि रहने वाली है आपका पर्सनल घाट। जी हाँ, आपको इस प्रोजेक्ट के अंदर, आपके इंडिपेंडेंट विलास के अंदर, इस प्रोजेक्ट में आपको आपका पर्सनल गंगा घाट भी मिल रहा है यहाँ पे, जो कि बहुत ही नेक्स्ट, अगेन वेरी नेक्स्ट लेवल चीज़ होने वाली है। क्योंकि आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं होगी पूजा करने के लिए, ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, भीड़ भाड़ में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको आपकी सोसाइटी के अंदर ही आपका एक पर्सनल घाट मिल जाता है। तो दोस्तों, हम अपनी ज़िंदगी में हमेशा 9 to 5 की जॉब कर रहे हैं, बहुत स्ट्रेसफुल हमारी लाइफ हो जाती है, बहुत वर्किंग लाइफ है, बिज़ी लाइफ है, और आप चाहते हैं कि आप भी थोड़ा पीस ले अपनी ज़िंदगी में, थोड़ा सा घर से दूर जाकर पहाड़ों के बीच में गंगा के किनारे, कैसा लगेगा? बहुत ही अच्छा लगेगा। ऑफ कोर्स देखिए, इस प्रोजेक्ट के सामने भी आपको माउंटेन का व्यू मिल जाता है, फ्रंट साइड पे आपको माउंटेन व्यू मिल रहा है, बैक साइड पे आपको रिवर का व्यू मिल रहा है। तो ये परफेक्ट, बहुत ही प्यारा सा कॉम्बिनेशन है यहाँ पे, तो बहुत ही अच्छा लगेगा। बिल्कुल अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ आप यहाँ पे कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे ऐसी जगह पे, जहाँ पे आपको आपका स्विमिंग पूल, पर्सनल स्विमिंग पूल, रिवर व्यू, माउंटेन व्यू, आपका पर्सनल घाट जो मिल जाता है,
जैसा मैंने आपको बताया, हर की पौड़ी यहाँ से आपको 6-7 किलोमीटर की डिस्टेंस पे मिल जाती है। तो इतने हमारे हमारे जो भावनाएं हैं मंदिर से, पूजा पाठ से इतनी जुड़ी हुई हैं, और इतनी दूर से आप आते हैं सिर्फ और सिर्फ दर्शन लेने के लिए। तो आप सोचिए, अगर आपका भी एक घर होगा यहाँ पे, तो आपकी थोड़ी सी लाइफ ईजी हो जाएगी। तो आप पूजा कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से 6-7 किलोमीटर के डिस्टेंस पे हर की पौड़ी आ जाता है, और जो चंडी माता जी का मंदिर है वो भी 3 किलोमीटर के डिस्टेंस पे आ जाता है। तो बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स है यहाँ पे, हर जगह अच्छा ही फील हो रहा है, ऐसा नहीं है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब मैं भी आई ना, मैंने रिवर वाला अभी व्यू देखा, मुझे जेन्युइनली बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि ऐसे ठंडी हवा चल रही थी और शाम का ये वक्त है। एक बार आप भी देखिए, शाम का ये वक्त है, बहुत ही प्यारा लग रहा है ये वक्त शाम का। और सामने को पहाड़ दिख रहे हैं, क्योंकि मुझे तो पहाड़ों से बहुत ज़्यादा प्यार है, मुझे तो बहुत पसंद है ऐसी जगहें जहाँ पे आपको रिवर का व्यू भी मिल रहा है, साथ में पहाड़ों का फील भी मिल रहा है। तो प्रॉपर कॉम्बिनेशन बहुत ही ज़्यादा प्यारा है। मुझे तो ये प्रोजेक्ट बहुत पसंद आ रहा है, जिसमें आपका 2 BHK 3 BHK का ऑप्शन है, जहाँ पे आपको आपका पर्सनल स्विमिंग पूल, पर्सनल घाट, एंड साथ ही साथ में व्यूज इतने प्यारे मिल जाते हैं। तो दोस्तों, अब करते हैं इंडिपेंडेंट विलास के साइजेस की बात, जो कि मैंने नहीं की। आई एम वेरी सॉरी, मैं खो गई थी एक्चुअली इतना कुछ देखकर यहाँ पे। तो साइज़ की बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं 2 BHK इंडिपेंडेंट विला के घर की साइज़ की बात। 2 BHK हाउस का जो कवर्ड एरिया रहेगा वो 1800 स्क्वायर फीट रहेगा, और जो 3 BHK विला का कवर्ड एरिया जो रहेगा वो है 2100 स्क्वायर फीट। और बहुत ही प्यारा साइज़ है, घर भी बहुत अच्छा बन रहा है। यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऐसा है कि आपको इंडिपेंडेंट विला 3 BHK आ जाता है, देन 2 BHK, देन 3 BHK, देन 2 BHK। तो ऐसा कॉन्सेप्ट है, काफ़ी डिफरेंट कॉन्सेप्ट यहाँ पे आ रहा है। और देखिए दोस्तों, हमने हमारे इंडिपेंडेंट हाउसेस के साइजेस की बात तो कर ली है, प्रोजेक्ट का साइज का बात करते हैं, प्रोजेक्ट का एरिया का बात करते हैं। तो ये होल प्रोजेक्ट 5 एकड़ में बन रहा है, और बहुत ही ज़्यादा, जो कि मैं बोल चुकी हूँ, दोबारा ही बोलूँगी कि बहुत 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 प्यारा ये प्रोजेक्ट बन रहा है। जेन्युइनली मुझे बहुत पसंद आया। और साथ ही साथ में अगर हम बात करें इस सोसाइटी के अंदर और क्या चीज़ आपको मिल जाती है, अब आ रही है आपके लिए क्लब हाउस। तो हाँ दोस्तों, क्लब हाउस भी आपको मिल रहा है यहाँ पे, जिसमें आपको एक ग्रॉसरी स्टोर आ जाता है, और एक जिम एरिया आ जाता है जहाँ पे आप अपनी जिमिंग कर सकते हैं जाके, सुबह शाम बॉडी शॉडी बनाइए थोड़ी बहुत, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा है, वर्कआउट आप कर सकते हैं। एंड उसके बाद अगर हम बात करें ग्रॉसरी स्टोर की, तो एक छोटा सा ग्रॉसरी स्टोर आपको मिल जाता है, आपको ज़्यादा दूर कहीं जाने के लिए ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको आपके सोसाइटी के अंदर ही आपको ग्रॉसरी स्टोर मिल जाता है। डेली नीड्स की जो ज़रूरत का सामान होता है वो आपको वहाँ पे अवेलेबल मिल जाएंगे। तो दोस्तों, 2 BHK 3 BHK का कॉन्सेप्ट और जो जो चीज़ें हमें सोसाइटी के अंदर मिल रही हैं वो सब तो मैं आपको बता चुकी हूँ, और भी आपको डिटेल्स जी बिल्कुल जाननी तो होंगी। आपको हमारा नंबर भी शो हो रहा होगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, और भी काफ़ी सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। जो प्रोजेक्ट का कंपनी है जो ये बना रहे हैं प्रोजेक्ट्स, बहुत ही अच्छे प्रोजेक्ट बन रहे हैं ये। अगर आप कुछ भी जानना चाहते हैं तो उनका वेबसाइट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अदर देन दैट, आप हमें तो कॉन्टैक्ट कर ही सकते हैं, आप हमें कॉन्टैक्ट कीजिए, हम सब आपको बताएंगे इस प्रोजेक्ट के बारे में, कहाँ से आना है, कैसे जाना है, क्या क्या चीज़ें अवेलेबल आपको मिल जाती हैं इस प्रोजेक्ट में। तो दोस्तों, सिग्नेचर विलाज यहाँ पे आपको 70 विलाज यहाँ पे बनने जा रहे हैं। पोजेशन टाइम मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, और भी कुछ आप जानना चाहते हैं, नीचे वेबसाइट आपको मिल जाएगी कंपनी की, नीचे नंबर आपको हमारा मिल जाएगा, आप हमें एनी टाइम कॉल कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, किसी भी चीज़ के बारे में कुछ भी जानना हमें कॉन्टैक्ट कीजिएगा। एंड साथ ही साथ में वॉक थ्रू भी आपने देखा होगा, बहुत पसंद आया होगा आई एम श्योर। और अगर आप आना चाहते हैं यहाँ पे, तो हम आपको डेफिनेटली लोकेशन का बताएंगे, सब आपको ब्रीफ करेंगे, और बाकी सब कुछ तो मैं बता ही चुकी हूँ। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। उम्मीद करती हूँ आपको आज की ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, एंड आज का ये जो कॉन्सेप्ट है इन सिग्नेचर विलास का, बहुत ही ज़्यादा प्यारे ये विलास बन रहे हैं अभी, और मुझे जेन्युइनली बहुत पसंद आए। शुक्रिया आपका हमारे इन वीडियोज़ को देखने के लिए। उम्मीद करती हूँ हमारी सारी जितनी भी वीडियोज़ है बहुत पसंद आती हैं आपको, उसी तरह से ये वीडियो भी बहुत पसंद आई होगी, एंड सिग्नेचर विलास को भी आप उतना ही प्यार देंगे जितना और विलास को देते हैं। और मिलते हैं इस प्रोजेक्ट में, जल्दी जल्दी आइए, क्योंकि ये लिमिटेड विलास हैं एंड लिमिटेड ये ऑफर है। तो जल्दी से आ जाइए, मिलते हैं अगली वीडियो में। शुक्रिया।